तो वो रीजन क्या है कि इतने अच्छे डिग्री होने के बावजूद भी इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बढ़ती जा रही नॉट गेट सिलेक्टेड 98% वाला 98.5 वाला करेक्ट गलत नहीं करियर इज अ मैराथन इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस टू मच नॉलेज इज आल्सो डिस्ट्रक्टिव लास्ट एपिसोड में हमने रिमझी मैम से इंटरव्यूज और रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत कुछ समझा था सो लेट्स कॉन्टिन्यू अवर डिस्कशन विद द मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी एंड द अमेजिंग पब्लिक स्पीकर मिस रिमझी मुखर्जी मैम एक चीज और डिस्कस करते हैं कि आज हमारे देश में वैकेंसीज बहुत हैं वी आर वी आर स्ट्रगलिंग विद स्टिल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड एट द सेम टाइम वी हैव एम्पल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज्यादा है और हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है तो वो रीजन क्या है कि इतने डिग्री होने के बावजूद भी इतने अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बढ़ती जा रही uh, 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 hmm. hmm. है कंटिन्यूस नहीं रहता है hmm. वो एक साइन वेव की तरह ही जाएगा बिल्कुल कभी अप जाएगा कभी, कभी डाउन जाएगा इन माई करियर आई हैव सीन एटलीस्ट रिसेशन साइकिल्स जहां पर आपके ह्यूज अमाउंट ऑफ लेफ हुएक्ट करेक्ट करेक्ट देन आपका प्री कोविड कोविड से दो तीन साल पहले देव अ मैसिवेशन करेंटली एंड करेंटली करेंटली वी आर फेसिंग सो दिस इज प्रॉब्लली नाउ इफ यू टॉक अबाउट दैट साइकिल होता क्या है इट्स इट्स लाइक मार्केट करेक्शन मार्केट करेक्शन क्या है hmm. अगर आप कोविड में देखेंगे hmm. तो कोविड में पीपल वायर इन बल्क द मोर मनी इज देर इन द कॉर्पोरेट हायरिंग विल इंक्रीज हायरिंग राइट लेकिन उस टाइम पे इतनी हायरिंग हुई एंड एट सच एक्सॉर्बिटेंट सैलरी ओवर हायर एंड ओवर प्राइज्ड ओवर प्राइज्ड रिजल्ट ऑफ विच वॉट है लास्ट वन ईयर वॉट यू बीन सी सो दिसंटिन्यूस साइकिल आपका मार्केट ऊपर फिर वो करेक्शन होगी नीचे आएगा लेगी अब जैसे the of the of that okay, hmm. अभी लेख hmm. लीजिएगा एक साल के अंदर अगेन द मार्केट विल पिकअप एंड लॉर्ड ऑफ टैलेंट पूल विल बीर सेट दैट ये, okay. तो ये तो हुई मार्केट की, की बात hmm. hmm. scores, sets, oh, तो हुई इंडस्ट्री की बात एक ऑनेस्ट कैंडिडेट विद गुड क्रेडिबिलिटी विद गुड स्कोर्स विद गुड स्किल भी उनको वैकेंसीज भी हैं अच्छे मार्क्स भी हैं अच्छी डिग्री भी है फिर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स रह जाते हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती तो वे दे आर लूजिंग द पॉइंट कहीं पे भी किसी mm. किसी भी सिस्टम का अगर आप इवेल्युएशन देखें देर विल ऑलवेज बी सम पीपल हु विल नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर एग्जाम्पल एस आर सी सी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज इन द इंडस्ट्री इन दूर नो आई एम फ्रॉम सेंट स्टीफ आई एम फ्रॉम सेंट स्टीफन कॉम्पिटिटर टू एस आर सी सी सो अगर आप एस आर सी सी की बात करें वहां 99 hmm. पे 99.9 नाइन परसेंट टाइल पे कट ऑफ है इन वन ऑफ द दूंटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट टाइल पे कट ऑफ है अब परसेंट 98 वाला 98.5 वाला गलत correct, तो नहीं है गलत तो नहीं है hmm. आप पकड़ आपने पकड़ लिया पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रही थी इसका क्या इसका मतलब ये है कि 98 परसेंट वाला इज अनएम्प्लॉबल एपसोल्यूटली लो इट्स जस्ट दैट फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज

ये अपस एंड डाउन आएंगे करियर इज अ मैराथन इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस इट्स अ मैराथन इट्स अ मैराथन यू हैव टू रन अगेन अगेन एंड अगेन यू हैव टू रन यू हैव टू स्लो डाउन यू हैव टू नो किस लैप में आपको स्पीड बढ़ानी है यू हैव टू नो किस लैप में आपको स्लो डाउन करना है hmm. देखना है कि दूसरे लोग आगे जा रहे हैं कोई बात नहीं तो इट्स अ मैराथन सो यू हैव टू ट्रीट लाइक दैट हां

imagine their employability in the market obviously they have already started their they have already uh, started start do they mm. already started doing something skills mm. pe kaam kar rahe hain wo they are not waiting for the company that company will come for the campus drive and placement drive and we will be shortlisting in that they have started Absol their own journey absolutely okay. 18 saal ke bacche matlab mm. if i go back मुझे 18 साल में कुछ पता नहीं पता नहीं था हमें पता भी नहीं था मुझे कुछ नहीं पता था हमने तो job placement भी शायद पहली बार 18 साल की सुना होगा कि job placement कुछ होता है किसी ने कुछ नहीं बताया था तो आई इफ आई लुक बैक एट माय सेल्फ एट 18 इयर्स एंड आई लुक बैक एट द करेंट जनरेशन एट लुक एट द करेंट जनरेशन यू डिफरेंस बिटवीन दिस इट्स अ मैसिव डिफरेंस देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम सो मच बट एट द सेम टाइम दे नीड गाइडेंस दे नीड गाइडेंस टू मच नॉलेज इज आल्सो डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव लेट्स टेक अपोज हेयर और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें रिम जिम मैम से जाननी है वी विल कॉन्टिन्यूवर स्टैंड आउट डिस्कशन विद हर इन द अपकमिंग एपिसोड्स सो डोंट गो एनी वे स्टेट यून विद करियर जानो